देख के आए ज़्यादा टाइम से पहले, मॉर्निंग में जल्दी आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 9 बजे खुल जाता है और 9 बजे के बाद से ये जो भरना चालू होता है आप देख सकते हैं। खड़ा हूँ लाल किला से मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ से हम वॉक करते हुए जाएंगे रेड फोर्ट और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो फोर्ट पूरा विजिट करूँगा और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। गाइस हम पहुँच चुके हैं लाल किला, एक और हिस्टोरिक प्लेस। आज जैसे कि आज संडे है और आज की भीड़ का कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ है आपको मैं दिखा, जैसे आपने देख ही लिया वीडियो में क्लिप में, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की के बाद फाइनली हम हैं अभी एंट्री गेट पर। और यहाँ से भी मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं, कह सकते चलते हैं आपको दिखाते हैं एंट्री का क्या सीन है, कैसे सीन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन कितनी ज़्यादा। संडे का ये डिसएडवांटेज होता है, आप जब भी संडे को विजिट करने आए तो देख के आएँ ज़्यादा टाइम से पहले, मॉर्निंग में जल्दी आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 9 बजे खुल जाता है और 9 बजे के बाद से ये जो भरना चालू होता है आप देख सकते हैं। ये है रेड फोर्ट जो हमारे इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, जो हर साल 15 अगस्त में यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है अपने प्रधानमंत्री के द्वारा। और अब तक इस पर 75 साल की आज़ादी हमने इसी पे फहराई है। अब आगे चलते हैं आपको लेके, देखते हैं एंट्री गेट पे क्या सीन है क्या नहीं है, लेट्स सी। चलिए ये इतनी लंबी लाइन वहाँ से शुरू होके वहाँ तक लाइन ही लाइन। काफ़ी देर की मारामारी के बाद ऑनलाइन चेक करने के बाद टिकट बुक नहीं हो रही है, अभी ऑफलाइन टिकट लेने जा रहे हैं और देखते हैं ऑफिस लाइन में क्या प्रोसेस है। घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली टिकट मिल गई है और हम आ गए हैं अंदर और अपने साथ 4 सरदार भाई, सबको दिखाते हैं। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं और ये अपने भाई हैं, ये हैं इनके साथ और 3 लोग हैं। तो हम लोग ऐसे ही ऑनलाइन चेक कर रहे थे लेकिन हमें टिकट मिली नहीं है, फिर लाइन में लग के हमने टिकट ली है फाइनली और अब हमारा एक ग्रुप बन गया है। तो भाई हो कैसे जा रहे हो यार, आप लोग नहीं आ रहे, इतनी मेहनत की है आपके लिए पाजी, ऐ गल चंगी नहीं है। तो ये है अपने भाई लोग, चलो चलते हैं अंदर दिखाते हैं। अब ये है यहाँ का फर्स्ट एंट्रेंस गेट, चलते हैं आप अंदर दिखाते हैं। ये है पुराने ज़माने की तोप, तो देखिए। तो फाइनली कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्क़त के बाद टिकट मिलने के बाद जो खुशी मिलती है आपको इतनी बड़ी भीड़ में, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये है यहाँ का बहुत ही प्यारा निकाशित किया हुआ रेड फोर्ट, आपको दिखाते हैं आगे। के अंदर आने के बाद ये शॉप से सारी की सारी
पूरी मार्केट है। आप रेड फोर्ट आने के बाद बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं अंदर रेड फोर्ट के अंदर। ये पूरा है यहाँ पे जो दिल्ली की गलियों में नहीं मिलता वो आपको यहाँ मिलेगा। पूरी मार्केट है यहाँ पे, एंट्रेंस करते हो तो आगे तक मिलेगी। और अभी पीछे नेशनल हेरिटेज डे पे यहाँ पे फ्री एंट्री थी 10 नवंबर को, 10 को आइए 19 नवंबर को, सॉरी मेरी फॉल्ट। अंदर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे एक पार्क है, बहुत प्यारा पार्क है अंदर पूरा का। और आप इसकी पॉपुलैरिटी तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि रेड फोर्ट की क्या हिस्ट्री है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर साल 15 अगस्त को यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है और अपने PM नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जो अभी हैं सिटिंग PM हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये फोर्ट था और इसमें जो पूरा प्रॉपर फोर्ट में जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, लॉट ऑफ थिंग्स ये पूरा यहाँ था। तो आपको आगे दिखाते कैसे क्या है। लोग यहाँ पे बहुत पॉपुलर चीज़ें रही हैं दिल्ली में। दिल्ली आपको पता है हमेशा से ही राजधानी रही है और ये हमेशा से ही आपको रेड फोर्ट में कैफेटेरिया भी मिल जाएगा। ये देखिए कैफेटेरिया के रास्ते 10 जाता है, लेकिन अभी कैफेटेरिया ना जाते हुए हम दीवाने आम और दीवाने खास देख के आएंगे। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है दीवाने आम, जो कि नाम से ही पता लगता है कि आम लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो राजा था वो आम लोगों के साथ मुलाकात करते थे, उनके सुनते थे। ऊपर अगर आप देख पाएंगे तो शायद इसमें सिंहासन की जगह भी रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ। सिंहासन तो नहीं है लेकिन उसकी जगह दे रखी है, इसलिए आपको दिखाते हैं अंदर से। तो गाइज अभी हम हैं दीवाने आम के उस पर। ये दीवाने आम है मेरे पीछे, आप जैसे कि देख सकते हैं दीवाने आम, जो कि नाम से ही पता लगता है कि आम लोगों के लिए। यहाँ पे जो राजा थे शाहजहाँ, वो आम लोगों की जो भी गुहार होती थी उनकी पब्लिक मीटिंग्स लेते थे यहाँ पे, कि उनके जो भी प्रॉब्लम चल रही है या उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके बारे में सुनते थे। जो सिंह यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर पे दे रखा है सिंहासन, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम दीवाने आम में थे, अब हम जा रहे दीवाने खास। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं लाइटिंग ज़्यादा है थोड़ी सी, बट आपको अभी लेके चलते हैं दीवाने खास में और वहाँ दिखाते हैं कि कैसी कलाकृति बनी हुई है, किस टाइम पे किस तरीके से क्या चीज़ें हो रखी हैं यहाँ पे। टाइमिंग के साथ साथ चीज़ें उतनी नई नहीं रही, लेकिन एक पुराना टच अभी भी मिलता है यहाँ पे आके कि आपको कि हाँ। चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये मेरे पीछे है रंग महल, इसके नाम से जैसे मशहूर पता लगता है कि पूरे रंगों से बना हुआ है और ये 6
स्टेजेस में बटा हुआ था। ये इस रेड फोर्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट अपार्टमेंट कह सकते हैं आप इसे, मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं। अब आ गए हैं खास महल जो कि मेरे सामने है। ये देखिए, ये है खास महल, नाम से लगता है खास के लिए। और ये पूरा का पूरा ऐसा है कुछ, इसके पीछे वाटर बॉडी है, पानी का तालाब है। अब आपको दिखाते हैं वो खास महल, ये दीवाने खास। दीवाने खास नाम से ही पता लगता है कि खास लोगों का महल, खास लोगों की जो संगत थी या फिर मीटिंग थी, मीटिंग से यहाँ पर अटेंड की जाती थी, जो टाइम टू टाइम राजाओं की, राजा और मंत्री के बीच की मीटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर ली जाती थी। आप इसकी छत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना ही बेहतरीन तरीके से नवाजा गया था। ये है हमाम। सब चीज़ें यहीं पर फेंक जाते हैं। ये यहाँ का एक और व्यू, जैसे देख सकते हैं अभी बहुत सारी है यहाँ पे ऐसी साइट पे जो रिनोवेशन के स्टेज पे है। पूरा टूर हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं घर। तब तक के लिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट लोकेशन पे। बाय बाय, प्लीज़ हिट द लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद विश्वजीत। बाय बाय।